सर हाँ बोल लिवरपुल पांचवे पोजीशन से पांचवा 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 के दिन भाई फोर वन की स्कोर लाइन ना पूरे मैच में तो ऐसे जीडी कम कराएगा क्या हम लोग का अभी नहीं 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 मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूँ कि लीवरपुल पांचवे पोजीशन से आठवें पोजीशन पर आ गई सर क्या बोलू यार मैं हम लोग सीजन ही खराब चल रहा है यार मिडफील्डर रहा है। कोई है पॉटर से पूछना जाकर उसका क्या चल रहा है वो तो मेरे से भी गया गुजरा है भाई पॉटर सर बारह बज गए आपको बारह बारह क्या बोल रहा है भाई ग्यारह पोजिशन पर है हम टेबल अभी तो चेक किया मैंने तो कुछ भी बोल रहा है भाई

बिस्किट था नहीं तो इतने देर से सुन रहे थे एरिक वुड्स फिट फिट एट अच्छी तरीके से करेगा सब इंस्टिंक्स है उसकी हाँ अगर मैच में जाए तो थोड़ी बहुत दिखा हमें उस दिखाशन पर नहीं रहना आता अभी तक नहीं चल रहा है बंदे ने खेला भाई अच्छा गेम था एरिक गार्सिया से टाइम लगेगा एक सेंटर बैक को सीडीएम में शिफ्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है अगर आपको बताओ मास्क सीडीएम एट लिवरपूल वो बाद में फिर सेंटर बैक में शिफ्ट हो गया वो थोड़ा इजी पड़ता है जब एक बंदा सेंटर बैक तो होता है सीडीएम में डाल देते हो तो मुझे भागना पड़ रहा है देखना पड़ रहा है आजू बाजू क्या हो रहा है भाई एरिक से को भी टाइम लगेगा

वो एल्शे सीट बैक करती थी तुम मेरे तुम्हारी दम है तुम्हारे में तुम लेके जाओ पॉइंट यहाँ से मिडल में आ गए उनके डिफेंडर्स लोग लाइन पे खेल रहे पे। भाई ये एल्छे ही है ना पक्का पक्का एल छिया मुझे देख के नहीं लगा था भाई क्योंकि मुझे अलग टीम लगी थी वर प्लेइंग हाई लाइन प्रेस कर रहे थे टर्स टैगन को मिस्टेक्स करने पे मजबूर कर दिया था जो रही में मैंने नहीं कर पाई मतलब फर्स्ट हाफ में मैं देख के पागल हो गया यार दिस एल्च इज ब्रिलियंट मैनेजर इन लोगों का नया मैनेजर आया अर्जेंटीन मैनेजर ने सही करा रहा है हाँ ये बॉटम बौ टीम है ऑब्वियसली बट अच्छा खेली फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ में आने के बाद बारसोलो ने दिखा दिया भाई कौन बार्सलोना है हु इज द बॉस ठीक है आए प्रेस किए गोल मारा लेवन डॉस का पहला गोल जो था वो लकी गोल जो भी बोल मे को तो लगता है वो स्किल मारा भाई बंदे ने नीचे टप्पा मारा बाउंस करके गया मेरे को तो स्वरस वाली सीन लगते हैं स्ट्राइकर लोग कभी ना कभी कुछ ना ऐसे कर देते हैं बट वो तो दूसरा गोल भी ब्रिलियंट था उसका ठीक है अंशू पार्टी की बात करता जरा इतना बैकलेस चल रहा है बोरी फाती फाती वो फाती उसका बाप आगे बोल के जा रहा है ये बोल के जा रहा है इतने क्वेश्चन उठ रहे दस नंबर क्यों दिया मैन साइलेंस थोड़े टाइम के लिए तो फिलहाल के लिए क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाके शॉट लेना इज अ डिफरेंट थिंग फॉर एंड बॉल निकाल के दी बंदा रन निकाला है फिर लेवन डॉस की भाई ये जो हड़बड़ हाट थी ना अंसुपाट में वो कल नहीं देखे क्योंकि हड़बड़ तो हमें पता है कि अंसुपाटी इधर उधर देखेगा कोई है क्या नहीं मेरे लिए भाई कोई रखा है क्या नहीं मेरे पास ऑप्शन है क्या नहीं कल वैसा नहीं हो कल ही बस काम कम्पोस्ट पहले बारा अनसुपाटी था ना काम कंपोस्ट देखता है क्या कुछ नहीं है शूट और क्या शूट भाई सीधा बॉटम कॉर्नर में पागल हो गया कल के मैच में जॉर्डी पागल हो गया कल के के मैच में ऊपर दिख गया मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा एक लेजेंड जो बूढ़ा यार है वो दिखता है दिखता है दिखता है ठीक है मैं बता दो क्या इंस्टेंस देखा मैंने एक बंदे के पास बॉल था एलचाल ने क्लियर किया बॉल गिरा वहां पर और जॉर्डीआल भागा ही था बट वहां पर से एक प्लेयर आ गया मतलब समझ रहे हो ना इतने बड़ा डिस्टेंस था वो प्लेयर का भी और जॉर्डी आल्बा का भी बट 18 2018 वाले सीजन याद करें जब जॉर्डिया के प्राइम प्राइम चल रहे थे वो दो सेकंड में बूम बूम आ गए बॉल के पास ये वाला सीन इट हैपन इट हैपन थोड़ा सा इमोशनल सीन था मैंने ये क्या हो गया भाई जॉर्डिया बट एनीवेज वेज जावी वन ट्वेंटी क्लीन शीट

जैसे सेकंड हाफ में मोमेंटम गायब 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 मतलब खत्म मोमेंटम ही खत्म भाई लिवरपूल का जो गोल मारे है ना भाई फिर बाद में आए हाय हाय मैनचेस्टर सिटी ने ग्रिलिश ने कुत्ता बनाया केविन डेब्रो ने पेला ग्रिलिश पेल रहा मैं वो सोच के बोल रहा हूँ भाई सोचो ये स्कोर लाइन जब हालैंड नहीं है जब हालैंड होगा तब क्या होगा बट जिस तरीके का अटैक ग्वाल्टी वाला को चाहिए था ना अटैकर भाई ये बंदा कल मुझे लेफ्ट विंग पे दिखा मुझे राइट विंग पे दिखा मुझे बीच में दिखा मुझे क्या बंदे को भाई हर एक जगह पे जहां तुम नजर घुमाओ राइट में अरे महाराष्ट्र कहां पर आ गया डिब्रो के साथ खेल रहा है बर्नाडो सिल्वा भी नहीं था बर्नाडो सिल्वा तो बाद में आया रोड्रिगो की जगह पे जॉन स्टोन इन्वर्टेड फुल बैक के जरिए उसको मिडफील्डर ही बना दिया मतलब दिस इज सम क्रेजी पेप कर रहा है भाई जब हालैंड नहीं है उसके पास उसका द गोल द, थ्रेट द गोल थ्रेट यूलियन अलवारों से वो इतना सब काम करा के दूसरों से गोल निकाल रहा है जब हालैंड होता है ना तुम्हें हालैंड को फीड करना क्योंकि तुम्हें पता है वो गोल मारेगा जब यूलियन अलवारेस होता है ना वो अपने सराउंडिंग्स को बेटर करता है है अच्छा था ना ये अच्छा था भाई और यही करता ही यूजान अलवारस ओ हो भाई अभी इस ज़रा टाइटल रेस में मजा आएगा ठीक है मेरे को पता है और अगर एक भी मैच अगर आर्सल हार भी जाती है तो पाँच पॉइंट का एक एक गेम का अभी इन हैंड है आ, सिटी के पास और पाँच गेम पाँच पॉइंट्स का ही होगा जो भी होगा डिफरेंस बट इट इज़ वॉट इट इज़ आर्सनल को तो थोड़ा अभी धक्का देना पड़ेगा एकदम टक्कर हम लोग को भी आगे बढ़ना है अभी एंड देखते अगली मैच में होता क्या है बट चेल्सी के साथ पता नहीं क्या हो टॉड बोहली जी ने बहुत वेट कर लिया बहुत वेट कर लिया अब पता नहीं ग्राम पॉटर सैकड़ हो जाए मिड सीजन में क्योंकि में में क्योंकि ये अभी है क्वार्टर सी में, में इनका सब अच्छा चल रहा है ठीक है ग्राम है के बट प्रीमियर लीग में इतना घटिया चल रहा ना इतना घटिया चल रहा है, चल रहा है। <laughs> सब चल चलचा बोल रहे हैं पॉटर आउट पॉटर आउट बट टॉट बोली क्या करें भाई मिड सीजन में आगे फंस गया ना वो क्वार्टर तो फाइनल में चले गया ना अभी यहाँ पर तो डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकता कोई मैनेजर भी नहीं है है ना क्यों नहीं है भाई नेगेल्स मैन पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई नैगल्स मैन अभी भी आ सकता है बट जितने जल्दी क्या वो अपने सिस्टम को चेंज कर पाएगा जो ग्राम पोटर को लग सिस्टम ही नहीं है ग्राम पॉटर का <laughs> क्या बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को भाई <laughs> वो बंदे ने इतना टाइम लगा दिया इतना इतना पैसा आ गया उसके पास ओह ये कर दिया वो कर दिया ये एक सौ मिलियन एक सौ बीस मिलियन एक सौ दस मिलियन ये लाया वो लाया इधर उधर से लाया एस्टिविला से हारने के लिए यस यस यू गॉट इट राइट थ पे है भाई <laughs> अगले सीजन यूरोपा भी नसीब नहीं हो रहा है लिवरपूल का जरा थोड़ा चांस है यूरोपा में खेले किधर और तो खेले कॉन्फ्रेंस वॉन्फ्रेंस में ये पे है लेवेंथ समझ रहे हो लिवरपूल के ऊपर ब्राइटन न्यू कासेल सब बैठे सब बैठे आग जमा कर छील की आके उनकी ब्रो दिस इज समथिंग मजा आ रहा है भाई प्रीमियर लीग चलता रहे अपने को तो मजा ही आएगा और तुम्हारे क्या थॉट्स है भाई इन सब पे ये जरूर बताना कमेंट्स में मिलूंगा अगली वीडियो में गुड केयर प्लीज और जय हिंद पारसा दोस्तों सब्सक्राइब करना भूले नहीं अगर यहां तक देख रहे हैं, तो मेक श्योर टू तो सब्सक्राइब आइकन हम थ्री के रोड पर है